गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच बनाए जाने के बाद अपने रिकमेंडेशंस बीसीसीआई के सामने रखने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कोचिंग स्टाफ में कुछ चेंजेस करने की रिकमेंडेशन बीसीसीआई को दिया है, जिसमें वो अपने पसंद के कुछ कोचेस को अपने टीम में शामिल करना चाह रहे हैं, जिसमें मॉर्ने मोरकर का नाम सामने आ रहा है जो बॉलिंग कोच के रूप में सजेशन दिए गए हैं, साथ में रियान टेन डेस्काटे हैं, उसके बाद अभिषेक नायर है। ये सारे वो कोचेस है, कोचिंग स्टाफ है जिनके साथ गौतम गंभीर काफी लंबे समय से आईपीएल की टीमों के साथ काम कर रहे थे। फिर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की, लखनऊ सुपर जायंट के साथ गौतम गंभीर और मॉर्ने मोरकर साथ में काम कर रहे थे। रियान टेन डेस्काटे के साथ गौतम गंभीर साथ में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते भी थे और बाद में एज ए कोचिंग पैनल में जुड़ गए, हालांकि वो टीम के मेंटोर थे। ये सारे रिकमेंडेशन और ये सारे बात आने के बाद काफी सारे बातें होने शुरू हो गई है कि क्या गौतम गंभीर अपनी गुट के लोगों को ही अपने कोचिंग स्टाफ में रखना चाहते हैं, जबकि पारस जो है वो बॉलिंग कोच अभी तक पिछले 3 सालों से इंडिया के बॉलिंग कोच थे राहुल द्रविड़ के साथ में, जिनका कार्यकाल काफी जबरदस्त रहा, उनकी काफी प्रशंसा होती है। ऐसे में उन्हें हटाकर और मॉर्ने मोरकर को बॉलिंग कोच लाना कितना सही होगा। हालांकि गौतम गंभीर कुछ साल पहले ये कहते थे कि बाहरी कोचेस की क्या जरूरत है, हमें अपने कंट्री में काफी सारे कोचेस हैं, हमें उन पे फोकस करना चाहिए, बट अब ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर खुद ही बाहरी कोचेस को, बाहरी क्रिकेटर्स को एज ए कोच इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल करना चाह रहे हैं। जो थोड़े समय से बाहर की चीज है, जब आपके पास खुद ही अच्छे कोचेस है और जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, फिर बाहरी कोचेस की क्या जरूरत है। हालांकि मॉर्ने मोरकर के पास काफी एक्सपीरियंस है जो कोचिंग का, उन्होंने 2018 में क्रिकेट को रिटायरमेंट कहा था, सो काफी बहुत ज्यादा समय बीता नहीं है। सो रिसेंट क्रिकेट को, मॉडर्न क्रिकेट को अच्छी तरह से समझते हैं। उनकी कोचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी कोचिंग की है एज ए बॉलिंग कोच, और आपको याद होगा कि 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में खेला गया था पिछले साल, उस वक्त वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे। हालांकि कंट्रोवर्शियल तरीके से उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 1 महीना पहले ही पीसीबी से अपना रिश्ता तोड़ लिया और वो वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। मॉर्ने मोरकर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, हालांकि वो साउथ अफ्रीका के लिए वो उन्होंने 86 टेस्ट मैच खेला हुआ है, 114 ODI मैच और कुछ 41 T20 इंटरनेशनल के आसपास उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेला हुआ है। इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल है। हालांकि इंडियन क्रिकेट टीम के कोचिंग करना इतना आसान नहीं है, आपको काफी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, ये काफी ज्यादा हेक्टिक जॉब है, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने मॉर्ने मोरकर और रियान टेन डेस्काटे से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उनसे बात करने की कोशिश की है इस बारे में। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि क्या गौतम गंभीर अचानक से ऐसा बदल गए, उन्होंने अपने पसंद के कोचिंग स्टाफ रखने की बात करना शुरू कर दिया है? ऐसा नहीं है। जब वो हेड कोच के लिए रिकमेंड हो रहे थे, जब उनकी बातें न्यूज मीडिया में काफी चल रही थी, तो इस बारे में एक खबर आ रही थी कि गौतम गंभीर तभी इंडियन हेड कोच का इंटरव्यू देंगे जब उनका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए, पहला शर्त ये था। और दूसरा ये था कि जब वो कोच बनेंगे तो अपने पसंद के कोचिंग स्टाफ को रखेंगे। तो ये बात पहले भी थी उनके साथ, और अगर बीसीसीआई उन्हें एज ए हेड कोच अपॉइंट की है तो हमें लगता है कि बीसीसीआई उनके शर्तों को मानकर ही उन्हें हेड कोच बनाया होगा, और यही कारण है कि गौतम गंभीर एक के बाद एक अपने रिकमेंडेशंस देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये जो टाइम है, जिस टाइम में इंडियन क्रिकेट टीम जो ट्रांजिशन पीरियड में चल रही है और यहाँ पे गौतम गंभीर अपने पसंद के कोचिंग स्टाफ रखना चाहते हैं, तो बीसीसीआई भी चाह रही है कि वो जो उनके रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जाए और देखी जाए कि अगले 6 महीने और 1 साल में क्या इसके आउटकम आते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ऐसे नहीं है कि उन्हें जीरो से हीरो बनाने की जरूरत है, इंडियन क्रिकेट टीम लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, एकाध मौके की छोड़ दे जहां पे वो आईसीसी टूर्नामेंट में नॉकआउट गेम में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। गौतम गंभीर से उम्मीद यही रही कि बड़े गेम्स में, जो आईसीसी के बड़े इवेंट से, खासकर WTC का जो फाइनल्स है या फिर वर्ल्ड कप्स का जो नॉकआउट गेम है, वहां पे इंडिया को अच्छे परफॉर्मेंस
जो चाहिए वो नहीं कर पा रहे थे, और वहां पे गौतम गंभीर का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इंडियन क्रिकेट टीम में यही एक पॉइंट है जहां पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और इसके लिए बीसीसीआई हो सके तो गौतम गंभीर के जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे करे, और देखे कि अगले 6 महीने 1 साल में किस तरह के आउटकम्स देते हैं। स्पेशली जो चैंपियंस ट्रॉफी, जो पहला जो आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, और उसके कुछ महीने बाद ही WTC का फाइनल है। सो ये दो टूर्नामेंट बीसीसीआई के, गौतम गंभीर के और इंडियन क्रिकेट टीम के रडार पे होगी, और बीसीसीआई भी देखना चाहेगी कि गौतम गंभीर की अगुवाई में एज ए कोचिंग, एज ए हेड कोच इंडियन क्रिकेट टीम इस दो टूर्नामेंट में किस तरह की परफॉर्मेंस करती है। बहुत ऐसी उम्मीद है कि गौतम गंभीर जो चाह रहे हैं, जिन्हें कोचिंग स्टाफ में शामिल करना चाह रहे हैं, उन्हें जगह मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या गौतम गंभीर अपने शर्तों पे सारा काम कर रहे हैं क्रिकेटिंग बॉडी में, क्रिकेटिंग बोर्ड में? अगर अपने शर्तों पे सारे काम करेंगे तो ये कितना फायदेमंद होगा या फिर कितना नुकसानदेह होगा इंडियन क्रिकेट के लिए? अगर एक इसके बारे में बात करेंगे तो एक क्रिकेटिंग बॉडी में पावर, जो पावर सेंटर है, वो हमेशा एक जगह पे ही होनी चाहिए। अगर बहुत सारे पावर सेंटर हो जाएंगे तो इसके काफी सारे साइड इफेक्ट है, थोड़े से इसके बेनिफिट हो सकते हैं बट ज्यादातर इसके साइड इफेक्ट्स ही है। अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ पावर की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो है सेंटर ऑफ पावर वो बीसीसीआई के चेयरमैन है, वहां होनी चाहिए। हालांकि हालिया दिनों में ये चीज देखी गई है कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है, जैसा वो सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या उनकी इन्वॉल्वमेंट हर चीज में होती है, बीसीसीआई के चेयरमैन की इन्वॉल्वमेंट कुछ खास दिखने को नहीं मिलती है। पहली वहां पे एक चीज लूप होल देखने को मिल रही है। दूसरी जो चीज है वो आप क्रिकेट कैप्टन को थोड़ी सी आप पावर दे सकते हैं, ऑल्दो जो सेंटर ऑफ पावर है वो बीसीसीआई के चेयरमैन के पास ही होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट जो टीम के कैप्टन है उसे आप हल्की सी पावर दे सकते हैं, क्योंकि उसे ऑन द फील्ड क्रंच मोमेंट्स पे कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो आप फील्ड से बाहर डिसीजंस वो नहीं ले सकते हैं। मतलब एक जो आपके पास सेंटर ऑफ पावर होनी चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, और दूसरी जो सेंटर ऑफ पावर होनी चाहिए वो टीम लेवल पे, जो ऑन फील्ड होनी चाहिए, ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड। लेकिन लेकिन जब से गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच बनाए गए हैं, तब से ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई में, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में, अब जो सेंटर ऑफ पावर है वो ट्रायंगुलर हो गया है। कहीं ना कहीं गौतम गंभीर एक सख्त मिजाज के इंसान है, और जिन शर्तों पे वो इंडियन क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया है, ऐसा लगता है कि वो अपने जो वसूलों पर, अपने शर्तों पे ही वो कोचिंग करेंगे। सो कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान भी हो सकता है। हालांकि ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि गौतम गंभीर तीनों के साथ, बीसीसीआई के साथ, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टेंस और कैप्टन और प्लेयर के साथ, और साथ ही साथ अपने कोचिंग स्टाफ के साथ किस तरह का तालमेल बिठाते हैं।